राधा का जन्म 21 अप्रैल 2000 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अजोसी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश यादव है। इनके पिता परिवार के पालन पोषण के लिए मुंबई में डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं और साथ में एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी है, जिसमें दैनिक जरूरतों का सामान भी रखा हुआ है। राधा उत्तर प्रदेश से मुंबई पिता के साथ क्रिकेट की कोचिंग लेने आ गई थी। इनके पिता का मूल निवास उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है। इनकी बहन का नाम सुमन यादव है। राधा का विवाह नहीं हुआ है। इनके कोच का नाम प्रफुल्ल नायक है। राधा चार भाई बहनों में सबसे छोटी है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा KN इंटर कॉलेज बांकी से प्राप्त की। राधा अपने पिता के पास मुंबई आ गई थी और वहीं क्रिकेट की कोचिंग प्रारंभ की। इन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र से क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया था। राधा ने सबसे पहले अपनी सोसाइटी के ग्राउंड में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। राधा के पिता का कहना है कि राधा बचपन में मात्र 6 वर्ष की आयु में ही घर के पास गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी। इनके पिता कहते हैं कि उनको बहुत बार लोगों से सुनना पड़ा, बेटी को इतना ज़्यादा छूट देना ठीक नहीं है, लड़कों से मारपीट हो गई तो बहुत दिक्कत होगी, इस तरह के बहुत से तंज कसे जाते थे। राधा के पिता ओम प्रकाश ने किसी चीज़ की परवाह किए बिना राधा को इनकी मर्जी से क्रिकेट खेलने का पूरा अवसर दिया। इनके खेल के जज्बे और हुनर को देखते हुए इनके कोच प्रफुल्ल नायक ने इनको बहुत साथ दिया। इनका दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया और इनको खेल की सारी बारीकियों को सिखाने लगे। इनके पिता घर का खर्चा चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाने के साथ साथ दूध की डेयरी से भी जुड़ गए, लेकिन मुंबई महानगर में इतने से कहां गुजारा होने वाला था। फिर भी इनके पिता मुंबई में ही एक क्रिकेट स्टेडियम में इनको साइकिल से रोज़ प्रैक्टिस के लिए छोड़ने जाते थे। आते वक्त राधा कभी पैदल तो कभी ऑटो से आती थी। मुंबई में सब्जी की दुकान से पढ़ाई दवाई का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद बार बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से अतिक्रमण के नाम पर दुकान हटाने की आशंका बनी रहती थी। ऐसी स्थितियों के बाद राधा के पास क्रिकेट की किट तो दूर की बात, बैट खरीदने के पैसे नहीं थे। तब वे लकड़ी के बैट बनाकर प्रयास करती थी। इनके घर से 3 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर में मौजूद स्टेडियम उन्हें इनके पिता साइकिल से छोड़ने जाते थे और फिर ये वापस टेम्पो या पैदल घर आ जाती थी। इन्होंने अपनी पहली कमाई से अपने पिता के लिए दुकान खरीदी। 13 फरवरी 2018 को इन्होंने दक्षिण अफ्रीका महिलाओं की क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत महिला के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की। उसके बाद अक्टूबर 2018 में इन्हें वेस्टइंडीज में ICC महिला विश्व कप 2020 टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में चुना गया। उसके बाद अक्टूबर 2018 में इन्हें वेस्टइंडीज में ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में चुना गया। इस टूर्नामेंट में राधा भारत के लिए 5 मैचों में 8 विकेट लेने के साथ संयुक्त रूप से अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थी। अपनी मेहनत और लगन से क्रिकेट को करियर बनाने में सफलता हासिल की और एक के बाद एक मैच खेले। फिर जनवरी 2020 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया में ICC महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में फिर से चुना गया। 9 नवंबर 2020 को महिला T20 मैच के फाइनल में राधा 5 विकेट लेने वाली महिला T20 चैलेंज की पहली T20 खिलाड़ी बन गई। अभी हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी टीम को सिल्वर मेडल दिलाया और शानदार फील्डिंग के बलबूते पर टीम को आगे तक पहुंचाया। इन्होंने क्रिकेट में काफ़ी सफलता हासिल की और फरवरी 2021 में इन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इनकी श्रृंखला के लिए भारत की महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में चुना गया। इन्होंने 14 मार्च 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया। मई 2021 में इन्हें इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ इनके एकमात्र मैच के लिए भारत के टेस्ट टीम में चुना गया। 2021 में महिला बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला। राधा यादव मुंबई बड़ौदा और पश्चिमी क्षेत्र के लिए क्रिकेट खेलती है। इन्होंने 4 प्रथम श्रेणी मैच, 13 लिस्टे और 16 महिला T20 मैच खेले हैं। इन्होंने 10 जनवरी 2015 को केरल के खिलाफ प्रमुख घरेलू क्रिकेट मैच में पदार्पण किया। राधा को श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ मैच में 7 विकेट से लीग मैच का अंत करते हुए ग्रुप ए में टॉप पर रहते हुए प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेलों में राधा यादव ने अपनी फील्डिंग से शानदार प्रदर्शन करते हुए
अपनी टीम को सिल्वर मेडल दिलाया। तो दोस्तों ये थी राधा यादव की जीवनी, उनके संघर्ष की कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।